इस वीडियो में बात करेंगे ब्लैक फ्राइडे सेल के बारे में। कल एक वीडियो बनाई थी, आज वाली वीडियो सुबह आने वाली थी, बट सेल इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेरे को लगा नहीं। बट फिर भी मैं आपको डील्स बता देता हूँ। अमेज़न में जो चल रहा है फैब फोन फेस्ट जो चल रहा है, उसके दो तीन डील्स मैं बता दूंगा, जो कि कल ऑलरेडी बता चुका था, बट एक सिंप्लीफाइड वे में बताऊंगा एंड एग्जैक्ट बताऊंगा कि क्या डील है एंड क्या कार्ड में क्या ऑफर चल रहा है। तो ब्लैक फ्राइडे सेल माना जाता है कि वहाँ पर आपको आईफोन्स जो है बहुत ज़्यादा सस्ते मिल जाएंगे, बट बिग बिलियन डेज ऐसा सस्ता नहीं मिलता। ये मैंने कल भी बताया था, आईफोन 12 मिनी आपको सब कुछ ऑफ लगा के, प्रीपेड में 2000 का ऑफ है, कार्ड में ऑफ है। यहाँ पर अभी HDFC का ऑफर चल रहा है, कम से कम चल रहा है। जो बुनानजा सेल आया था उसमें तो नहीं था, तो 43 का आपको मिल सकता है आईफोन 12 मिनी। मैं यहाँ पर 64 GB वेरियंट की बात कर रहा हूँ एंड आईफोन 12 जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 55,000 का मिल जाएगा। एंड सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, क्या रियलमी X7 मैक्स ऑफर में है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। 27,000 का मिल रहा है, कार्ड ऑफर है 750 का HDFC का। नॉट वर्थ इट, नॉट वर्थ इट, क्योंकि 21,000 का लोग ले चुके हैं। एंड GT मास्टर एडिशन 4,000 का सीधा ऑफ, जो कि हर एक सेल में देखने के लिए मिल रहा है, तो 4,000 का यहाँ पर भी ऑफ है, ऊपर से 750 का HDFC का कार्ड ऑफर है, तो 21,250 में ये देखने के लिए मिल जाएगा। इसीलिए मैंने बोनांजा सेल में बताया था कि मत लीजिए, अभी आने वाले सेल में सस्ता मिलेगा, तो कम से कम 750 का सस्ता मिल रहा है। क्या इस प्राइस पॉइंट में लेंगे? जी हाँ, डेफिनेटली ले सकते हैं। एंड और भी ऑप्शंस आपके पास हैं, वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। पोको X3 प्रो में कोई ऑफर नहीं आया है। अंडर 15,000 बेस्ट डिवाइस बताता हूँ, नार्जो 30, रियलमी का नार्जो 30 जो है 4G वाला, वो डेफिनेटली ले सकते हैं। सीधा सीधा किसी भी कार्ड से, किसी भी ATM कार्ड से पेमेंट कर देंगे तो 1,500 का प्रीपेड ऑफर है एंड उसके ऊपर जो है आपको जो है यहाँ पर ये यह और मिल जाएगा, 750 का जो है HDFC का कार्ड ऑफर मिल जाएगा। तो 11,000 जो है 250 का आपको फाइनल जो है देखने के लिए मिल जाएगा। तो 11,250 में जो है चल रहा था, बिग बिलियन डे में भी वही चल रहा था, वही सेम प्राइस पॉइंट में फिर से नार्जो 30 देखने के लिए मिल रहा है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे बेस्ट डील है जो नार्जो में देखने के लिए मिल रहा है। तो बट पोको X3 प्रो में कुछ आया नहीं एंड मोटरोला में कुछ आया नहीं, मोटो G40 में कुछ आया नहीं, फ्यूजन में कुछ आया नहीं, तो ये सारा जो है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। रियलमी का GT Neo 2, तो 4,000 का सीधा प्रीपेड ऑफ एंड 28 का देखने के लिए मिल रहा है, ऊपर से 750 का HDFC का कार्ड ऑफ, तो आपको 27,250 का देखने के लिए मिल रहा है। क्या इस प्राइस पॉइंट में परचेस करेंगे? अच्छा डिवाइस है, ले सकते हैं। लोगों ने 25 का परचेस किया है, शायद जो ईयर एंड सेल हो एक तो एक और होना चाहिए, एक और सेल आना चाहिए, ईयर एंड सेल जो आती है शायद उसमें थोड़ा और सस्ता मिल जाए, बट 27,250 में ले सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ, अच्छा फ़ोन है, अच्छा फ़ोन है, मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, वीडियोस वगैरह बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। एंड Pixel 4 है में ज़्यादा कुछ ऑफ है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 28 का दिखने के लिए मिल जाएगा। एंड बस इतना ही डील था। अमेज़न का बता देता हूँ, अमेज़न में बढ़िया डील्स हैं। अगर आप एक्सचेंज करना चाहते हो फ़ोन, तो आपके लिए Mi 11X है एंड जो Xiaomi 11 Lite एनी 5G है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो वहाँ पर सीधा 5,000 का ऑफ है। आपका फ़ोन का वैल्यू जो वो देंगे अमेज़न वाले, उसके ऊपर एक्स्ट्रा 5,000, तो मान लीजिए अगर 5,000 का आपको मिल रहा था, उसके ऊपर और 5,000, 10,000 का मिल जाएगा एंड उसके ऊपर कार्ड ऑफर वगैरह लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया मेरे को एक और डील लगी, जो कि है IQ का Z5। वहाँ पर खाली एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, बाकी सब कुछ बढ़िया है। LPDDR5X रैम है, UFS 3.1 है, 778G स्नैपड्रैगन का वो देखने के लिए मिल रहा है, स्टीरियो स्पीकर्स हैं, 4D वाइब्रेशन है, अच्छा एक फ़ोन है। मैं सोच रहा था ले लूँ मैं, बट नहीं लिया फाइनली। बट 24,000 का प्राइस है, 2,000 का कूपन का डिस्काउंट अगर आप जो है प्राइम मेंबर है, तो उसके ऊपर से ICICI का अगर कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, तो 2,000 का और ऑफ मिल जाएगा, तो टोटल 4,000 का ऑफ है, 20,000 का देखने के लिए मिल जाएगा। लोगों ने 21 का परचेस किया था शायद पहले सेल में। एंड जो सैमसंग M52 है, वहाँ पर आपको 4,000 का कूपन का ऑफ देखने के लिए मिल रहा है, तो 30 का मिल रहा था 26 का ले सकते हैं, उसके ऊपर से 1,250 का ऑफ मिल जाएगा, आई थिंक SBI के क्रेडिट कार्ड में। जी हाँ, SBI के क्रेडिट कार्ड में और भी 1,250 का ऑफ है। एंड 40,000 का देखने के लिए मिल रहा है सैमसंग का S20 फैन एडिशन एंड उसके ऊपर 1,250 का और ऑफ देखने के लिए मिल रहा है, तो 38,750 का वो देखने के लिए मिल जाएगा आपको, तो अच्छा है। IQ में बहुत ज़्यादा, IQ 7 में ज़्यादा आया नहीं, IQ 7 लेजेंड में ज़्यादा ऑफ है नहीं, बट ये जो मैंने आपको फ़ोन बताए, ये जो है लाइट एनी 5G Xiaomi का एंड IQ Z5 में एंड सैमसंग M52 में, यहाँ पर अच्छी डील्स चल रही हैं। बाकी पोको F3 GT में भी
कोई अच्छा डील नहीं आया। तो पोको F3 GT में लास्ट दिवाली सेल में अच्छा देखने के लिए मिला था, बाकी उसमें कुछ अच्छा डील आया नहीं। रियलमी पैड ले सकते हैं, अगर रियलमी पैड लेना है जैसा कि मैंने लिया है, कल आ जाएगा वो। कल शायद मैं आपको वीडियो दे दूँ यूज़ वगैरह करने के बाद, फर्स्ट इंप्रेशन वाला नहीं दे पाया तो अनबॉक्सिंग तो एटलीस्ट डाल दूंगा। तो 11,250 का, आई थिंक 750 का या 11,750 का आपको वो देखने के लिए मिल जाएगा। लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा 11,000 का परचेज़ किया है, 10,750 का परचेज़ किया, 11,000 मान लेते हैं, अभी 11,750 का मिल रहा है। प्रीपेड ऑफर है 1,000 का, एंड उसके ऊपर जो है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है ICICI बैंक का, फ्लिपकार्ट से बता रहा हूँ, 1,250 का और ऑफ मिल जाएगा। तो 11,750 का जो बेस वेरियंट है 14 का, 3 32 GB वाईफाई वेरियंट, उसकी बात कर रहा हूँ, तो अच्छा डील है। बाकी आईफोन SE भी देखने के लिए मिल रहा है। आईफोन SE लेना है तो मतलब आईफोन XR ले लेना अमेजोन से, वो 32 33 का मिलता है। यहाँ पर आपको 28 शायद 29 का देखने के लिए मिल रहा है। आईफोन SE 2 मत लो, XR लेना है XR ले लो, बेटर बैटरी लाइफ मिल जाएगा आपको, बेटर कैमरा भी थोड़ा सा मिल जाता है, फ्रंट कैमरा जो है वहाँ पर 60 FPS जा सकते हैं, 1080p 60 FPS, ये थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा। इतना था इस वीडियो में, बहुत अच्छी डील्स तो रही नहीं इस वाले सेल में, ब्लैक फ्राइडे सेल में। आपको बताओ, आप बताओ भाई कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक देखते रहिए।